सरकार से जनता के मुद्दों पर सवाल करना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब चुनाव करीब आता है तो सियासी दलों को ये संवैधानिक अधिकार तभी याद आता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा सक्रिय दिख रही है, तो वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती के तेवर भी सख्त हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, लिहाजा हर सियासी जमात सक्रिय हो रही है। जहाँ कांग्रेस किसान महापंचायत कर अपनी सक्रियता को बढ़ा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता सड़क पर दिखने लगे हैं। अमूमन कई मुद्दों पर संतुलित बयान देने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने बुधवार को ट्वीट करके कहा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा और पंचायत चुनाव से पहले नेताओं, वकीलों, व्यापारियों आदि की हत्याओं का दौर शुरू हो जाना चिंताजनक है, किंतु अति दुखद और निंदनीय इन घटनाओं को गंभीरता से न लेकर इन्हें पुरानी रंजिश आदि बताकर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करना सरकार ध्यान दे। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को घेरने के इरादे जाहिर किए। मायावती ने अपने एक और ट्वीट में कहा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के कल से शुरू हो रहे सत्र में किसानों और जनहित के मुद्दों के साथ साथ अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के मामलों में सरकार की घोर लापरवाही और द्वेषपूर्ण कार्रवाई आदि के प्रति सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का प्रयास करने का पार्टी विधायकों को निर्देश। यानी साफ है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष सरकार से दो दो हाथ करने को तैयार है। चुनावी साल में ये गहमा गहमी और तेज होने के साफ संकेत हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।